जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बलिहारी गुरुडीहर गोमिया पंचायत को पानी देना होगा, बलिहारी गुरुडीहर गोमिया पंचायत को पानी देना होगा, इंकलाब जिंदाबाद। गोमिया के विस्थापित व ग्रामीणों ने आईएल ओरिका कंपनी के मेन गेट के समक्ष माकपा नेता रामचंद्र ठाकुर व राकेश कुमार के नेतृत्व में किया प्रदर्शन और सौंपा खुला मांग पत्र। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों की ओर से माकपा नेता रामचंद्र ठाकुर व राकेश कुमार ने कहा, 3 मार्च 2021 एवं इसके पूर्व दो बार प्रबंधन को आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन गोमिया में व्याप्त भीषण पेयजल समस्या के समाधान के लिए कंपनी के तरफ से समुचित कदम आज तक नहीं उठाया गया है। हम लोगों का प्रस्ताव जो कंपनी को पूर्व में दिया जा चुका है, हम लोगों ने मांग किया है कि बैंक मोड़ गोमिया तक किए जा रहे पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को गोमिया हाई स्कूल गोमिया एवं नेहरू हाई स्कूल स्वांग तक विस्तारित किया जाए। हम लोगों के इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए दो बार प्रबंधन के साथ वार्ता भी हो चुकी है एवं आश्वासन भी दिया गया है था, परंतु अभी तक प्रबंधन की ओर से कोई सकारात्मक पहल दिखाई नहीं पड़ रही है। इस कारण आज पूरी गोमिया के ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है और आज यह रोष सामने प्रकट हुआ है। उन्होंने कहा, ग्रामीणों की जमीन का अधिग्रहण करके ही इस कारखाने का निर्माण हुआ है और इस कारखाने के कारण बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए हैं। इन विस्थापित परिवारों को आज आपके कारखाने से रोजी रोटी भी नहीं मिल रही है। उस स्थिति में अगर साधारण पेयजल भी इन्हें प्राप्त नहीं होता है तो रोष और आक्रोश स्वाभाविक है। प्रदर्शन के बाद कंपनी के साथ ग्रामीणों की एक वार्ता हुई। इस वार्ता में कंपनी की ओर से मानव संसाधन प्रबंधक श्री रोशन सिन्हा, प्रबंधक राघीब बेलाल साबरी, प्रभात झा एवं राजेश कुमार तथा ग्रामीणों की ओर से रामचंद्र ठाकुर, राकेश कुमार, ललित यादव, द्वारिका रवानी, रविंद्र कुमार, सूरज कुमार, राजेश मोहसिल, अजय कुमार, विनोद प्रजापति, कृष्ण कुमार, मोहम्मद बशीरुद्दीन शामिल थे। प्रदर्शन में किसान नेता विनय महतो, विनय स्वर्णकार, भोला स्वर्णकार, उमेश यादव, मिंटू स्वर्णकार, कोपेश्वर यादव, केशु कुमार, सुजीत कुमार, प्रदीप शंकर, सुनील शंकर, राजेश पासवान, विनय कुमार, त्रिलेश्वर कुमार, मोहन शाह, आदित्य पांडे, मोहम्मद फिरोज, संतोष मोदी, शंकर यादव, मुकेश यादव, सूरज कुमार, हीरालाल, त्रिभुवन कुमार, मनोज कुमार, दिलीप कुमार समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। बीएनपी न्यूज के लिए झारखंड से संवाददाता मनीष कुमार की। पिछले कई वर्षों से भीषण पेयजल का संकट यहाँ है। बगल में आईएल का बारूद कारखाना है जिस पर हम लोगों की जमीन गई है। हम लोगों ने पिछले 6 महीना पूर्व दो बार मांग पत्र दिया है और दो बार प्रबंधन के साथ वार्ता भी हुई है। हमारा मांग था कि आप जो बैंक मोड़ तक सार्वजनिक रूप से पेयजल आपूर्ति करते हैं, इस सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति का विस्तार गोमिया पंचायत के गोमिया हाईस्कूल तक और पलिहारी के नेहरू हाईस्कूल तक किया जाए, हमारा ये मांग था। दोनों बार वार्ता में प्रबंधन ने सकारात्मक आश्वासन दिया था, लेकिन लगभग 6 से 8 माह बीत जाने के बाद भी हमारी जो मांग थी इसके निराकरण हेतु जो पहल करनी चाहिए, प्रबंधन के तरफ से कोई पहल कदमी आज तक नहीं दिखी है। तत्पश्चात हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग जिस विस्थापितों की जमीन पर कारखाना बनी हुई है, अगर पानी नहीं मिलता है, अब हम लोग प्रबंधन के साथ लड़ाई के भी मूड में है। आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी मांग पत्र पुनः सौंपेंगे, वार्ता होगी। अगर सकारात्मक आश्वासन मिलता है और सकारात्मक पहल हमारी मांग को पूरा करने के लिए होती है तब तो ठीक है, अन्यथा फरवरी माह में हम लोग एक बड़ा आंदोलन की तैयारी के मूड में है, बड़ा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। ऐसा है कि आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ, जिसमें गोमिया के दर्जनों ग्रामीण शामिल थे, प्रबंधन से वार्ता हुई। वार्ता बहुत ही लंबे देर तक चली और कंपनी के तरफ से जो गोमिया के रेल लाइन के पार जो पानी ले जाने का जो उनका जो कठिनाई है, उन कठिनाइयों के बारे में उन्होंने बात रखा
लेकिन प्रतिनिधियों के तरफ से कहा गया कि आपकी जो कठिनाई है वो एक तरफ आपकी कठिनाई है, लेकिन दूसरे तरफ गोमिया गांव के लोग जिनका ज़मीन पर ये कारखाना खड़ा है वो पेयजल का समस्या भी उनके लिए उतना ही कठिन है, इसीलिए इसका समाधान आपको करना पड़ेगा। बहुत लंबे देर तक वार्ता चलने के बाद कंपनी ने आश्वासन दिया कि हम समझते हैं कि आपका जो समस्या है पीने का पानी का समस्या, ये एक ज्वलंत समस्या है और जेन्युइन समस्या है। हम लोगों को 2-3 महीने तक पानी जो है उसका समय दिया जाए, क्योंकि इसके लिए जो है हमको नए सिरे से सब कुछ डिजाइन करना पड़ेगा, इंटेक टावर बढ़ाना पड़ेगा, डीवीसी से जो पानी ले रहे हैं उसका मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए हायर लेवल से ग्लोबल से ऑस्ट्रेलिया से हमको फंड एलोकेट कराना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने को 2-3 महीना तक समय दिया गया है। हम लोगों ने साफ तौर पर कह दिया कि 2-3 महीना के अंदर इसका अगर समाधान नहीं हुआ तो आपके कारखाने के गेट के समक्ष विकराल आंदोलन होगा जिसका आप सामना नहीं कर पाइए। मैनेजमेंट ने कहा आंदोलन का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, हम वादा करते हैं कि 3 महीना के अंदर आपके इस समस्या का समाधान हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे ये अभी हम आपको नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हम आपके इस समस्या का समाधान करेंगे। पूरा जो है प्रतिनिधिमंडल उस वार्ता से संतुष्ट हुआ।